Hey guys, welcome back. You are watching Learn English with Krishan. आज के वीडियो में हम 25 और idioms and phrases करने वाले हैं. इससे पिछली वीडियो में भी हमने 25 idioms and phrases किए थे और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अगर आप देखना चाहो तो. आज का लेसन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट में मैंने इसमें एक प्रैक्टिस सेट भी ऐड किया है, उसे भी हम सॉल्व करके देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेसन. हमारा आज का पहला idiom है अबव बोर्ड. इट मीन्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसा पर्सन जो ईमानदार हो या ईमानदारी से काम करता हो. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज अबव बोर्ड एंड हैंस हैड नथिंग टू हाइड. लेट सी द सेकेंड idiom, एन आई वॉश. एन आई वॉश मीन्स प्रिटेंस, दिखावा या सिर्फ ऐसी कोई चीज जो सिर्फ दिखाने के लिए की गई. फॉर एग्जाम्पल, द होल इन्वेस्टिगेशन वॉज नथिंग बट एन आई वॉश. पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो सिर्फ दिखावा था और कुछ नहीं था. थर्ड इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर. इट मीन्स टू बी मोर मैच्योर और वाइज देन वंस ओन एज. अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना. इसे याद करना बहुत आसान है, इसका सेंस बना के देखते हैं. एन ओल्ड हेड मतलब एक्सपीरियंस्ड या मोर नॉलेजेबल आप इसको कह सकते हो. आगे ऑन यंग शोल्डर मतलब यहाँ पे समझ लो कि आप बच्चे की बात कर रहे हो और बच्चे के शोल्डर पर वेरी नॉलेजेबल हेड है. तो इसी सेंस को ध्यान में रखकर आपको इसका मीनिंग याद करना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ इज टू विन लॉरेल्स. इट मीन्स टू विन ऑनर्स, यश प्राप्त करना या किसी तरीके का सम्मान मिलना. फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर वॉन लॉरेल्स फॉर इंडियन टीम. नेक्स्ट, फिफ्थ इज वाइल्ड गूस चेज. इट मीन्स यूजलेस एफर्ट्स या व्यर्थ प्रयत्न करना. सेंस बनाकर देखते हैं इसका. सपोज द वाइल्ड गूस चेज इज वेरी फास्ट एंड यू कैन नॉट चेज इट इवन इफ यू ट्राई. सो द आइडिया ऑफ चेजिंग द वाइल्ड गूस विल बी यूजलेस. और इसका मीनिंग भी यही है, यूजलेस एफर्ट्स. सिक्स्थ इज टर्न द टेबल्स. इट मीन्स टू टर्न द सिचुएशंस कम्प्लीटली, स्थिति को बिल्कुल बदल देना. नेक्स्ट इज स्क्वेयर मील. स्क्वेयर मील मीन्स फुल मील, इन हिंदी भरपेट भोजन. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. अ पुअर पर्सन डजंट गेट इवन वन स्क्वेयर मील अ डे. एट्थ इज पुट अप विद. इट मीन्स टू टोलरेट, इन हिंदी सहन करना या बर्दाश्त करना. एग्जाम्पल, आई कैन नॉट पुट अप विद सच बिहेवियर इन माई क्लासरूम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाइन्थ इज शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. इट मीन्स टू रन अवे या भाग जाना. इसका सेंस बनाकर देखना. पेयर ऑफ हील्स मतलब पैरों की बात कर रहे हैं ना, और हम भागते किससे हैं, पैरों से. तो इसका मतलब भी क्लियर है, भाग जाना. टेंथ इज टू लुक डाउन अपॉन. इट्स मीनिंग इज टू हेट और डिस्पाइस अ पर्सन. डिस्पाइस का मतलब भी घृणा करना या नफरत करना ही होता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. आई हेट दोज पीपल हु लुक डाउन अपॉन द पुअर. नेक्स्ट इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. मीन्स मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करना. फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड हिज ब्रदर. ट्वेल्थ इज इन द एयर. इट मीन्स चर्चा में होना या सर्कुलेशन में होना, लोगों में चर्चे हो रहे हैं उस बात के. एग्जाम्पल, द न्यूज ऑफ हिज मर्डर इज वेरी मच इन द एयर. थर्टींथ, गेट इन टू हॉट वाटर. इट मीन्स टू गेट इन अ ट्रबल, किसी परेशानी में फंसना. फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट इन टू हॉट वाटर बिकॉज ऑफ हिज ओन सिली मिस्टेक्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. 14th इज इन अ फिक्स. इट मीन्स इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, मानसिक उलझन में होना किसी तरह की, जब आपका दिमाग काम ना करे कि आपको करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन अ फिक्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू. 15th, टू डाई इन हार्नेस. मीन्स टू डाई वाइल इन सर्विस, काम करते करते मर जाना या ऑन ड्यूटी डेथ हो जाना. नेहरू जी का नाम तो आप सभी ने सुना है, उनकी ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी. सो एग्जाम्पल देखते हैं इसका. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही डाइड इन हार्नेस. नेक्स्ट इज फ्लॉग अ डेड हॉर्स. इट मीन्स टू वेस्ट एनर्जी, बेकार की कोशिश करना किसी चीज में. 17th, फ्रेंड्स लीव. मीन्स लीव विदाउट इंफॉर्मेशन,
बिना सूचना के अनुपस्थित होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज टाइम पर हर हफ्ते एक या दो फ्रेंच लीव तो ले ही लेते हैं। यहाँ लीव वर्ड को ध्यान में रखना आपको, जब हम जब छुट्टी लेते हैं तो लीव एप्लीकेशन देते हैं, तो इसी से इसका मीनिंग भी आपको याद रहेगा। 18th इज टर्न डाउन। इट्स मीनिंग इज टू रिजेक्ट और रिफ्यूज, मतलब अस्वीकार कर देना, मना कर देना। फॉर एग्जाम्पल, रीमा टर्न डाउन द प्रपोजल ऑफ हर मैरिज। नेक्स्ट इज व्हाइट एलिफेंट। दोस्तों इसका मतलब सफ़ेद हाथी नहीं है, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो महंगी हो और बेकार पड़ी हो। कॉस्टली बट यूजलेस पोजिशन। नेक्स्ट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन, स्थगित कर देना किसी चीज़ को। कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इट मीन्स डोंट पुट ऑफ टिल टुमोरो वट कैन बी डन टू डे। 21st इज टर्न अ डीफ ईयर, मीन्स पे नो हीड, अनसुनी कर देना या ध्यान न देना किसी चीज़ पर। यहाँ आपको वर्ड्स पकड़ने हैं, डीफ ईयर मतलब बहरा जो सुने ना, तो बस आपका आंसर भी इसी में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 22nd इज फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इट मीन्स ट्राई वंस बेस्ट, पूरी कोशिश करना किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू सेव हिज जॉब। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ द गैब, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जो चतुराई के साथ बोलने की कला रखता हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही विंस एवरी आर्ग्यूमेंट एज ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट इज आयरन हैंड, इट मीन्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल, कड़ाई से या सख्ती से किसी चीज़ से निपटना। आयरन सख्त होता है, तो बस इसी से आपका मीनिंग भी बन जाएगा। दोस्तों हमारा आज का लास्ट एडियम है गेट कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों। यहाँ रंगे हाथों का मतलब ये नहीं कि हाथ रंगे हुए हैं, इसका मतलब होता है अपराध करते समय पकड़ लेना किसी को या पकड़े जाना। कॉट एग्जैक्टली वाइल कमिटिंग क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल स्टीलिंग माई मनी। आई होप आपको सभी idioms अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके examples के साथ इनको समझाया है। तो चलिए अब हम practice side की ओर बढ़ते हैं। Flog a dead horse। दोस्तों मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, इसका मीनिंग होता है बेकार की कोशिश करना किसी चीज़ पर। इट मीन्स टू वेस्ट एनर्जी, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज टू व्हिप अ डेड हॉर्स, बी अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, सी वेस्ट वंस एफर्ट्स, डी टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस। तो अब आपको इसका ऑप्शन पता चलिए क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। सेकेंड इज टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ऑन ड्यूटी डेथ हो जाना या काम करते करते मर जाना। ओके, इट मीन्स टू डाई वाइल इन सर्विस। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके भी। ऑप्शन ए प्रीमेडिएटेड मर्डर, ऑप्शन बी डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, ऑप्शन सी टू डाई वाइल इन सर्विस, ऑप्शन डी टू बी टेकन बाय सरप्राइज। सो इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी The car in the backyard is proving to be a white elephant. Friends, I told you the meaning of a white elephant. इसका मतलब क्या था कि कोई एक ऐसी महंगी चीज़ जो बेकार पड़ी हो। It means a costly and useless possession which is no longer in use. तो options देखते हैं इसके। A very huge item, option B costly and useless possession, option C very expensive investment, option D useful material. So the option is very clear, answer is very clear, that is option B. Let's move to next. John's offer of help was turned down by the police. Friends, I told you the meaning of turn down. It means to refuse or reject. So the answer is very clear, that is option C, refused. Let's move to the next. Fifth is French leave. यहाँ मैंने बताया था आपको word पकड़ना है leave. Leave means एप्लीकेशन आप दे रहे हो छुट्टी के लिए। ओके, और यहाँ पे ऐसी छुट्टी जो कि बिना परमिशन के, बिना इन्फॉर्मेशन के ली गई हो। तो ऑप्शंस देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव, ऑप्शन बी लीव विदाउट परमिशन और इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी टू टेक लॉन्ग लीव, ऑप्शन डी टू टेक अ डे ऑफ एंड हैव फन। सो द आंसर इज वेरी क्लियर, दैट इज ऑप्शन बी, लीव विदाउट परमिशन। एफ द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड।
रेड हैंडेड का मतलब मैंने बताया था रंगे हाथों नहीं होता इसका मतलब, इसका मतलब होता है अपराध करते समय किसी को पकड़ लेना। ओके, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए इन अ रेड यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी विद ब्लड इन हैंड्स, ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ऑप्शन डी आफ्टर रीडिंग द रूल्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एट द टाइम्स ऑफ कमिटिंग द क्राइम। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ वाइल्ड गूस चेज। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर वाइल्ड गूस बहुत ही फास्ट है और अगर आप उसको चेज करोगे तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, एकदम यूजलेस एफर्ट्स होंगे वो। तो इसका ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन ही इसका दे रखा है यूजलेस एफर्ट्स, तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ऑप्शन ए टू बी ओल्ड बिफोर वंस एज, टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी टू बी यूथफुल इन स्पाइट ऑफ वंस ओल्ड एज, ऑप्शन डी टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो दोस्तों मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था, ओल्ड हेड का मतलब यहाँ पे वेरी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड है, यंग शोल्डर का मतलब मान लो बच्चे के एक शोल्डर्स पर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन का हेड। तो इसको ऑप्शन अगर आप बी देखोगे टू बी वाइज बियॉन्ड वन एज, मतलब कि अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर होना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाइन्थ इज माई फ्रेंड टर्न अ डेफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी। मैंने यह बताया था आपको टर्न अ डेफ ईयर के अंदर आपको डेफ ईयर पे ध्यान देना है, इसका मतलब बहरा या जो अनसुनी करते या जो ठीक से सुने ना। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके, फर्स्ट इज पेड नो हीड, बी वेंट फार अवे, ऑप्शन सी लिसन केयरफुली, ऑप्शन डी टर्न इज ईयर अवे। तो यहाँ ऑप्शन ए पेड नो हीड का मतलब है अनसुनी कर देना या ध्यान ना देना, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। टेंथ एंड लास्ट इज द पुअर मैन मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। मैंने बताया था आपको मीनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है कि हर मुमकिन कोशिश करना, पूरी कोशिश करना किसी चीज़ के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके, वेंट टू पिलर्स, वेंट टू पोस्ट, वेंट टू मनी लेंडर्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज ट्राइड इज बेस्ट। सो इट इज़ वेरी क्लियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ट्राइड इज बेस्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है, और अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, एंड टू वॉच माई अपकमिंग वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।